हेलो नमस्ते, मेरा नाम है विनाश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल में हुआ कुछ यूं कि आज की जो प्लेइंग 11 है उसमें से एक ऐसा नाम है जिसको टीम में नहीं लिया गया, और उसके बाद जो है उनके फैंस ट्विटर पर काफी ज्यादा क्या कहेंगे, मतलब क्रांति ला रहे हैं कि आखिर इन्हें टीम में क्यों नहीं लिया। जी हाँ, नाम है ऋषभ पंत, टीम इंडिया के विकेट कीपर है और परमानेंट विकेट कीपर है। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइमर रहे हैं, लेकिन आज ऋषभ पंत को मुकाबले में नहीं लिया गया, शामिल नहीं किया गया। लेकिन रोहित शर्मा ने इसकी वजह भी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सैडली ऋषभ पंत मिसेज आउट। इसका मतलब है कि ऋषभ पंत जो है आज के मैच में दुर्भाग्य रूप से जो है वो नहीं खेल रहा है। और विकेट कीपिंग कौन कर रहा है, तो वह है दिनेश कार्तिक आज का मुकाबला खेल रहे हैं और विकेट कीपर के तौर पर जो है दिनेश कार्तिक है। हालांकि हैरानी मुझे भी इस बात से कि ऋषभ पंत को आप टीम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इससे पहले कई सीरीज ऐसे थे जब आपने ऋषभ पंत से ओपनिंग तक करवाई थी। आप रोहित शर्मा खुद ऋषभ पंत के साथ ओपन गए थे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सारे नंबर पे उनको उस बंदे को आपने आजमा लिया, खिला भी लिया। और आखिर जब मुकाबला था पाकिस्तान के साथ, ऐतिहासिक मुकाबला था, आप उसी मुकाबले में उन्हें बेंच पर बिठा दिया। अगर चोट लगी है तो वेल एंड गुड, अगर जानबूझकर बाहर कर दिया गया तो सवाल उठेंगे। अगर रिजल्ट्स टीम इंडिया के फेवर में नहीं आए तो, या फिर दिनेश कार्तिक ने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो, आपको क्या लगता है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कसम है। धन्यवाद।